हे गाइस, तो गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू अपडेट। गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट अपडेट में। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे देश में मुंबई टू अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन का वर्क चालू है। तो बाय द वे, हम आज आपको बात बताने वाले हैं सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन और बाकी तमाम सारे अदर स्टेशन के बारे में। तो फिर हम सबसे पहले शुरू करते हैं अहमदाबाद के साबरमती बुलेट ट्रेन स्टेशन से, जो कि बन के रेडी हो चुका है। लगभग उसमें 99% वर्क हो चुका है, बस 1% वर्क बाकी है, बाकी सारा हो चुका है। और अब वर्क जो है साबरमती में प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ा दिया गया, प्लेटफॉर्म की तरफ तमाम सारा वर्क हो रहा है। और ऐसे ही हमारा जो आनंद का बुलेट ट्रेन स्टेशन है, तो वहाँ भी लगभग वर्क चालू हो चुका है, लगभग 30-40% वर्क वहाँ भी हो चुका है। और अगर इसके आगे हम बात करें बड़ोदरा की, तो बड़ोदरा में भी लगभग 20% वर्क हो चुका है, 20% जो वर्क है वो हो चुका है बड़ोदरा में। उसके आगे अगर हम बात करें भरूच, तो भरूच में भी तमाम सारा वर्क हो चुका है। लगभग अगर पूरे गुजरात के अंदर की बात करें तो लगभग 95% वर्क हो चुका है। और उसके आगे अगर मुंबई की तरफ की बात करें तो वहाँ भी वर्क स्टार्ट हो चुका है, बट वहाँ पे अभी ज़्यादा उस प्रकार का वर्क नहीं हुआ जिस प्रकार से अहमदाबाद के अंदर। जो तमाम सारे पिलर जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और तमाम सारा गटर लॉन्चिंग कई जगहों पर चालू है, सूरत, नवसारी, भरूच, अहमदाबाद, तमाम सारी जगहों पर गटर लॉन्चिंग स्टार्ट है। और ऐसे ही तमाम सारे कंस्ट्रक्शन पूरे रूट पर हो रहा है। तो हमारे जो बुलेट ट्रेन का न्यू रखा गया था वो लगभग 2015-17 के आसपास रखा गया, बताओ 2026 के अंत तक चलाने का उसका टारगेट था कि 2026 के अंत तक उसको चला देंगे, यानी कि 8वें महीने तक। और अभी ये सूरत का बुलेट ट्रेन स्टेशन है, जो कि बनने के लिए उस समय पुराना कंस्ट्रक्शन था, ये पुराना कंस्ट्रक्शन है, नया नहीं है, ये पुराना कंस्ट्रक्शन है जो कि चल रहा है। यहाँ पे अभी पिलर वूलर बनाया जा रहा है, जो जमीन के नीचे से बहुत सारा सरिया डाल दिया था, उसके बाद ऊपर का कंक्रीट का पिलर का वर्क जो है वो किया जा रहा है। कहीं देखिए सूरत का बुलेट ट्रेन स्टेशन है, उसका भी लगभग आधा वर्क हो चुका है, यानी 50% वर्क वहाँ भी हो चुका है और भी 50% वर्क बाकी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बनने वाला है। आपने देखा होगा स्टेशन में, हम खुद लाइव गए हैं, आपको दिखाएंगे, तो वहाँ भी लगभग 50% वर्क हो चुका है। और ऐसे ही पूरे रूट पे वर्क स्टार्ट है, यानी कि वर्क जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चालू है। और ऐसे ही तमाम सारे मेगा प्रोजेक्ट हमारे देश के अंदर, जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, अभी हाल में ही मुंबई नागपुर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन भी हमारे से पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, अभी चालू होने वाला है। तो ऐसे तमाम सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हमारे, और उसके बाद अगर बात करें दूसरी बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ चलें, तो अहमदाबाद दिल्ली के बीच, फिर दिल्ली टू वाराणसी, ऐसे तमाम सारे बुलेट ट्रेन का वर्क लगभग हर एरिए में स्टार्ट है। बट हम जो ज़्यादा जहाँ जिसके बारे में हमको ज़्यादा पता है वो है मुंबई टू अहमदाबाद। और अहमदाबाद की सबसे पहले चलेगी भी तो मुंबई अहमदाबाद की बुलेट ट्रेन। और जैसे कि आपको पता है कि मुंबई टू अहमदाबाद यानी गांधीनगर के बीच में वंदे भारत ट्रेन भी चली हुई है, तो उसका भी हमने वीडियो बना के दिखा दिया आप लोगों को। तो आप लोग उसकी अगर वो वीडियो देखना चाहते हो, उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख सकते हो। बट ये तो वीडियो भी पुराना है, हमारे पास पड़ा हुआ था जब बिल्कुल ग्राउंड से वर्क स्टार्ट हो रहा था, ग्राउंड से वर्क चालू हो रहा था, तब की वीडियो है। बट अभी तो हमारे लगभग 50% से 55% के बीच का वर्क देखो अभी यहाँ पे, ये वर्क है उस समय का, थोड़ा अभी तो इसके ऊपर छत वत नहीं पड़ा हुआ है। बट अभी जाएंगे तो लगभग 2 से 3 मंजिला वर्क छत पड़ चुका है, यानी कि बना दिया गया है। तो गाइस, ऐसे ही हमारे पास नए नए वीडियो आते रहते हैं, जो हम आप लोगों को बताते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। तो गाइस, अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़िएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपको अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा। तो गाइस, चलो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कहीं अलग से। बट अभी छोड़ो, रुको भाई, सॉरी, अभी मैं आपको थोड़ा और आगे बताता हूँ कि कितना सारा वर्क। अभी ये आपको दिख रहा है ना, ये छत लद रहा है सूरत के बुलेट ट्रेन स्टेशन में, अभी छत लद रहा है, ये बुलेट ट्रेन स्टेशन है, बट वहाँ पे अभी छत लादने का वर्क चालू है, यानी जो एक के ऊपर एक मंजिला बनाने हैं ना। ये जो बुलेट ट्रेन स्टेशन है, लगभग बहुत लंबाई है इसकी, ये बहुत ज़्यादा लंबाई है, लगभग 1 किलोमीटर के 1 किलोमीटर के अंदर में इसका लंबाई है। और ऐसे हम अगर बात करें वापी के बुलेट ट्रेन स्टेशन की, वहाँ भी काफ़ी लंबाई है, बहुत ज़्यादा लंबाई, वहाँ तो एक सड़क के ऊपर से होते हुए जा रहा है बुलेट ट्रेन स्टेशन। और सारी जो बुलेट ट्रेन चलने वाली है वो पिलर के ऊपर ही चलने वाली, नीचे से बुलेट ट्रेन कोई भी नहीं चलेंगी कि जो ज़मीन पे बुलेट ट्रेन कहीं भी चले। हाँ, थोड़े जगह पे अंडरग्राउंड हो गई है, यानी ज़मीन के अंदर चली गई है, वो भी मुंबई की साइड में, अहमदाबाद की साइड में नहीं, मुंबई की साइड में, यानी कि साबरमती से पिलर के ऊपर ऊपर ही होते हुए। अभी आपने सुना होगा कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का एक्सीडेंट हो चुका था,